हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है टैबलेट मिल्टाजेपीन। दोस्तों, मिल्टाजेपीन का फेमस ब्रांड नेम है टैबलेट मिल्टाज। दोस्तों, ये एक डिप्रेशन यानी कि एंटी डिप्रेसेंट दवा है, जो आजकल मनोरोग चिकित्सक और फिजिशियंस द्वारा काफ़ी लिखी जाती है। आज हम आपको इस दवा के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे, क्या इसके यूजेज हैं, ये दवा काम कैसे करती है, साइड इफ़ेक्ट्स और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो इस दवा का इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। दोस्तों, पहले बताते हैं आपको यूजेज। टैबलेट मिल्टाजेपीन यानी कि मिल्टाज का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है मेजर डिप्रेशन यानी कि गंभीर अवसाद, मेजर डिप्रेशन और जिसके अंदर आपको नींद नहीं आती, इनसोम्निया। जब डिप्रेशन के साथ में नींद नहीं आना, ये बीमारी जुड़ी हुई होती है, तब इस दवा का अच्छा उपयोग होता है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी किसी भी तरह का ट्रॉमा के पश्चात जो आपके दिमाग पर, मानसिकता पर स्ट्रेस आ जाता है, मानसिक अवस्था कमज़ोर हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है, उसमें भी इसका उपयोग होता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे कि आपके परिवार में मानो कोई अकाल, किसी की मृत्यु हो जाना, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह से अचानक से कोई हमारे जीवन में कोई हादसा हो जाए, ट्रॉमा हो जाए, और उसके बाद में जब एक तरह से स्ट्रेस आ जाता है, अवसाद आ जाता है, उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो दो इम्पॉर्टेंट यूजेज़ है, एक है डिप्रेशन, मेजर डिप्रेशन जिसमें नींद नहीं आना साथ में है, और पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। दोस्तों, ये दवा काम कैसे करती, हाउ डज़ इट वर्क। ये दवा हमारी ब्रेन के अंदर दो इम्पॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स, दो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स का लेवल बढ़ाती है। पहला है सीरोटोनिन और दूसरा है नॉर एपिनेफ्राइन। दोस्तों, सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्राइन, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल जब हमारे ब्रेन में बढ़ता है तो हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो काम होते हैं, जो हमारे ब्रेन की नसें हैं वो ठंडी होती है, और जो दिमाग के अंदर जो भी उल्टे सीधे विचार आना वो कम हो जाते हैं, यू फील गुड, आपको अच्छा लगता है, और इस तरह से डिप्रेशन जैसी बीमारी में ये दवा काम करती है। दोस्तों, इसका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि हर दवा के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं आमतौर पर जो देखे जाते हैं वो हम आपको बताते हैं, वो है ड्राई माउथ, नींद कम आना, नींद ज़्यादा आना, नींद ज़्यादा आती है, मुँह सूखता है बार बार, वेट गेन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके खून में बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ सकता है, एबनॉर्मल ड्रीम्स आना यानी उल्टे सीधे सपने आना, आपकी एपेटाइट बढ़ जाएगी, भूख ज़्यादा लगेगी, और सिर दर्द, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसमें वेट गेन दोस्तों साइड इफ़ेक्ट है, वो आम तौर पर सभी एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के साथ देखा जाता है, वेट गेन, वज़न बढ़ जाना, क्योंकि आपकी ऐसी दवा लेने से, एंटी डिप्रेसेंट दवा लेने से जब आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, फिर आपकी भूख अपने आप बढ़ जाती है। तो वेट गेन से बचने के लिए हमेशा आपको आपके लाइफस्टाइल को भी थोड़ा इम्प्रूव करना ज़रूरी है दवा के साथ में, जैसे टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना, डाइट में नमक, सॉल्ट कम लेना, शुगर कम लेना, मीठा कम लेना, फैट, घी वगैरह कम लेना, और मेडिटेशन, योगा वगैरह करना, तभी आपका इलाज सफल हो सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस बीच में याद रखनी है आपको। दोस्तों, टैबलेट मिल्टाज के जो डोसेज फॉर्म्स हैं, ये आती है 15 mg, 30 mg, 45 mg। नॉर्मली 15 mg से इसको डॉक्टर्स शुरू करते हैं। डॉक्टर्स डिसाइड करेंगे कि आपको किस डोज पे दवा लेनी है और किस डोज तक लेनी है। ये दोस्तों प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, एंड यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन एंड एडवाइस ऑफ योर डॉक्टर्स। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है बिल्कुल। नॉर्मली डॉक्टर्स 15 mg से शुरू करते हैं रात को, और फिर धीरे धीरे वीकली, हफ्ता दर हफ्ता इस डोज को बढ़ाकर 45 mg डोज तक ले जा सकते हैं। इसको यूज़ कैसे करना है दोस्तों, इसको कोशिश करो कि फिक्स टाइम पे यूज़ करो, और आफ्टर फूड इसको लेना है। इस दवा को आपको चबाना नहीं है, चू नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना है, पानी के साथ में निगल लेना है, इन बातों का ध्यान रखेंगे। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। दोस्तों, अल्कोहल के साथ ये अनसेफ है, क्योंकि अल्कोहल के साथ लेने से डिजीनेस, ड्रोजीनेस, नींद बढ़ना, अल्कोहल का असर ज़्यादा बढ़ा देती है, अनसेफ है। ड्राइविंग करते समय रिस्क ऑफ अलर्टनेस कम हो जाता है, तो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स होता है। हैवी मशीनरी यूज़ करते समय, गाड़ी चलाते समय भी इस दवा का लेना अनसेफ है।
अगर आप प्रेग्नेंट है तो स्टडीज़ में देखा गया है कि जो पेट में पलने वाला बच्चा है, फीटस है, उसको ये दवा नुकसान पहुंचा सकती है। तो सिर्फ डॉक्टर्स की सलाह पर ही अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो लेना है, वरना नहीं लेना है। इट्स अनसेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड इफ़ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग में भी डॉक्टर्स की सलाह पर ही लेना है। इट्स नॉर्मली अनसेफ, क्योंकि ये देखा गया है कि यह जो आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं अपना, उसके अंदर असर पहुँचाकर बच्चे को साइड इफेक्ट और नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको लीवर और किडनी संबंधी बीमारी है तो यूज़ विद कॉशन ऑन द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर। दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट टिप्स है इस दवा के बारे में याद रखनी है आपको कि ये एक तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यूज़ ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ योर डॉक्टर। इस दवा को अचानक से नहीं रोकना है, डो नॉट स्टॉप इट सडनली, क्योंकि अचानक से रोकने से आपके सिम्टम्स है, जो डिप्रेशन है, जो तकलीफ है, वो बढ़ सकती है। इस दवा को असर दिखाने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं, तो इसको लगातार जैसे डॉक्टर्स बताते हैं लेते रहिए। लाइफस्टाइल, डाइट और एक्सरसाइज मैंने आपको बताया है। दोस्तों, आशा करते हैं टैबलेट मिल्टास 15 मिल्टाजेपिन, एक एंटी डिप्रेसेंट दवा की जानकारी जो हमने दी आपको उपयोगी होगी। इसको आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि ऐसे हमारे वीडियोज़ आपको लाकर हम और दे सकें। आपकी कमेंट्स, आपके सजेशंस आर मोस्ट वेलकम, उनको आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमको दीजिएगा। दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।